आज हम मलाई सीख बिरयानी बना रहे हैं, बिल्कुल वैसी ही जैसी हम शादियों में और दावतों में खाते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम सीख कबाब बनाकर तैयार करेंगे। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू कुकिंग विद बेनज़ीर। मैं बेनज़ीर हूँ और अगर आप सिंपल और आसान रेसिपीज़ ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारी रेसिपीज़ इंशाल्लाह बहुत पसंद आने वाली है। सीख कबाब बनाने के लिए हमने 750 ग्राम बोनलेस चिकन लेकर मिक्सर में डालकर इस तरह से बारीक सा उसे ग्राइंड कर लिया है। चिकन को हमने ड्राई किया है, आप देख सकते हैं चिकन ड्राई है, उसमें पानी नहीं है। ड्राई करने के बाद ही हमने इसका कीमा बनाया है। मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले हम एक टीस्पून भरकर लेमन जूस मिलाएंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट एक टेबलस्पून, एक टीस्पून भरकर हरी मिर्च का पेस्ट, एक टीस्पून नमक, 1.5 टीस्पून चाट मसाला, एक टीस्पून भरकर गरम मसाला पाउडर जो हमारा होममेड है, 2 टेबलस्पून घी, काफ़ी सारा पुदीना हमने छोटा छोटा चॉप किया, काफ़ी सारा हरा धनिया भी डालेंगे, 1/2 टीस्पून के आसपास चिली फ्लेक्स, कुटी हुई लाल मिर्चें। हाथों से हमें अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिलाना है। अच्छी तरह से हमने सारी चीज़ों को मिलाया, बीच में एक छोटी कटोरी रखेंगे और उस पर एक जलता हुआ कोयला रख देंगे, इसे एक अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर देंगे। बस कुछ बूंद ऑयल की डालेंगे और इसे तुरंत कवर करके इसी तरह रहने देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद कोल को निकालेंगे और एक घंटे के लिए ये मिक्सचर को मैरिनेट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। एक घंटे तक हमने अच्छी तरह मैरिनेट कर दिया कीमे को। थोड़ा ऑयल लगाकर पहले हम हाथों को ग्रीस करेंगे और हमारे पास ये स्ट्रॉ है, इसे भी थोड़ा थोड़ा ग्रीस करेंगे। आपके पास स्ट्रॉ नहीं है तो आप स्क्यूअर्स इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी भी स्पून के पिछले हिस्से को भी इस्तेमाल कर सकते हैं सीख बनाने के लिए। बहुत ज़्यादा बड़ी सीख नहीं बनाएंगे हम, मीडियम साइज़ की बनाएंगे। इस तरह से हाथों को प्रेस करते रहेंगे स्ट्रॉ के ऊपर, निकाल लेंगे। इसी तरह हम सारी सीख बनाकर पहले तैयार कर लेंगे। एक पैन को हमने गर्म करने के लिए रखा, जिस पर हम थोड़ा थोड़ा ऑयल स्प्रे करेंगे, एक एक करके सीख रख देंगे। ऊपर भी थोड़ा थोड़ा स्प्रे करेंगे सीख पर। अच्छा से गोल्डन कलर आ जाने के बाद इन्हें पलटाएंगे, अलट पलट करते हुए। हमने सब तरफ से बहुत अच्छी तरह सीख को रोस्ट कर लिया है, फ्लेम को लो रखा है। अच्छी तरह से सीख तैयार हो गई है, इन्हें निकाल लेंगे। इसी तरह सारी सीख को हम रोस्ट करके तैयार कर लेंगे। सीख कबाब हमने तैयार कर लिए हैं। इतने मिक्सचर में आराम से 18 से 20 सीख कबाब बनाकर तैयार कर सकते हैं। हम अब सीख बिरयानी का मसाला तैयार करेंगे और चावलों को भी बॉईल कर लेंगे। हमने चावल को भी भिगा कर रख दिया है। 750 ग्राम चावल लिए हैं हमने बासमती, उसे धोया 3 बार और इसे भिगा कर रख दिया है। जब तक हम सीख का मसाला तैयार करेंगे, चावल भी तैयार हो जाएंगे भीग कर। सीख बिरयानी का मसाला बनाने के लिए हमने ऑयल गर्म किया है 4 से 5 टेबलस्पून। उसमें हम 3 पीस दालचीनी, 6 छोटी इलायची, 4 से 5 लौंग, 2 से 3 तेज़पत्ते और 2 बड़ी इलायचियाँ डालेंगे। फिर हम इसमें प्याज डालेंगे चॉप करके, 2 मीडियम साइज़ के प्याज यूज़ किए हमने। प्याज को हम चलाते हुए जब इसका कलर थोड़ा थोड़ा सा गोल्डन होने लगेगा तब तक पकाएंगे। प्याज का कलर आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा गोल्डन हो रहा है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है हमें, यही पॉइंट तक। 1 टेबलस्पून भरकर हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट मिला देंगे, अच्छी तरह से भून लेंगे, 1 से 2 मिनट चलाते हुए पकाएंगे। अच्छी तरह से अदरक लहसुन को भूनने के बाद हम इसमें हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे, 1 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा यूज़ किया है हमने। आप तीखा कम खाते हैं तो इससे कम यूज़ कर सकते हैं।
हरी मिर्च को आधी मिनट पकाने के बाद हम इसमें बादाम का पेस्ट डालेंगे। हमने 15 से 20 बादाम लिए, छिलका निकाला और मिक्सर में डालकर इनका पेस्ट बना लिया। इसे मिला देना है। फ्लेम को हाई करके 5 से 6 मिनट हमने अच्छी तरह से बादाम का पेस्ट डालकर भून लिया है। फ्लेम को बिल्कुल लो करके हम इसमें दही मिलाएंगे। हमने 1 कप से ज़्यादा दही लिया है, 250 ग्राम। उसे अच्छी तरह से बीट किया, थोड़ा पानी मिलाकर, और फ्लेम को बिल्कुल लो करके इसमें डाल दिया है। फ्लेम को लो करके दही ऐड करें ताकि दही फटे नहीं। अच्छी तरह से हमने इसे दही डाला है, इसीलिए चलाया, 2 से 3 मिनट चलाते हुए पकाया। हमें इसे 5 से 6 मिनट पकने देना है ताकि दही का कच्चापन है और बादाम का जो कच्चापन है दोनों ख़त्म हो जाए। थोड़ा नमक भी मिला देंगे, 1 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा है ये। मीडियम फ्लेम पर कवर करेंगे और इसे 5 से 6 मिनट पकने देंगे ताकि दही का और बादाम का कच्चापन ख़त्म हो जाए। हमने 2 कप दूध ले लिया है, ये वही दूध है जिसे हम बॉयल करके घर में रखते हैं ठंडा करके। मेयोनीज मिलाएंगे उसमें 1/2 कप भरकर। साथ में हम इसमें 250 ml क्रीम मिलाएंगे, 200 ग्राम के करीब। हम इसमें फ्रेश क्रीम मिला रहे हैं जो टेट्रा पैक्स में अवेलेबल होती हैं। आप चाहें तो डेयरी से भी फ्रेश क्रीम खरीद के मिला सकते हैं 200 ग्राम के करीब। 1 टीस्पून भरकर गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून वाइट पेपर पाउडर, सफ़ेद मिर्च का पाउडर, आप काली मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर अवेलेबल नहीं है, काफ़ी सारा हरा धनिया मिलाएंगे। 1 विस्क की मदद से ये सारी चीज़ों को विस्क करके तैयार कर लेंगे। सात से आठ मिनट के करीब हो गए हैं, हमने एक बार बीच में चेक भी किया था। अच्छी तरह सब कुछ भुना गया है, तेल ऊपर आ गया है, बस यही पॉइंट तक हमें अच्छी तरह से भून लेना है। फ्लेम को हमें बिल्कुल लो रखना है, हाई नहीं करना है। फ्लेम को लो रखते हुए ये क्रीमी मिक्सचर जो हम तैयार किए हैं वो डालेंगे। फ्लेम को हाई नहीं करेंगे, लो पर रखेंगे और डालेंगे। इस तरह विस्क से थोड़ा थोड़ा चलाएंगे भी। हमने इसमें दूध डाला है, हम नहीं चाहते कि दूध फटे, इसलिए इस तरह लो फ्लेम पर इसे चलाते रहेंगे। 10 मिनट तक हमने इसे पकने दिया लो फ्लेम पर। फ्लेम को अभी हाई किया है। जब इसमें हमें लगे थोड़ा थोड़ा उबाल आ रहा है, यही पॉइंट पर हम इसमें सीख को ऐड कर देंगे। हल्के हाथों से बस इस तरह से मिक्स करना है, ध्यान रखना है सीख टूट ना जाए। ये मिक्सचर काफ़ी गाढ़ा होता है, इसमें बहुत सारा क्रीमी सॉस होता है। इसे बहुत ड्राई ना कर दें, बस ऐसा ही रखें, क्योंकि हम इसे चावल पर भी पकाएंगे, दम देंगे, तो ये थोड़ा ड्राई तो हो ही जाएगा। और वैसे ये बिरयानी थोड़ी लिक्विड वाली होती है, क्रीम वाली। बस सीक डालने के बाद इसे 1 से 2 मिनट पकाएंगे, फ्लेम को बंद करेंगे और चावल को बॉईल कर लेंगे। हमने 3 लीटर पानी बॉईल करने के लिए रखा है, जिसमें हम 2 से 3 पीस तेज़पत्ते डालेंगे, 1 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा शाहजीरा, काला ज़ीरा, अगर आपके पास ये नहीं है तो स्किप कर दें, 2 टीस्पून भरकर लेमन जूस। इससे हमारे चावल खिले खिले बनकर तैयार होंगे। तकरीबन 2 टीस्पून ऑयल, हम इसमें काफ़ी सारा नमक डालेंगे, क्योंकि हम चावल को बॉईल करके पानी को फेंक देते हैं, तो नमक जितना यूज़ करते हैं उससे डबल क्वांटिटी का करें। हमने 750 ग्राम बासमती चावल लिए हैं, वो हिसाब से हमने नमक डाला है। पानी में अच्छी तरह से जब बॉईल आ जाएगा हम इसमें हमारे चावल डाल देंगे जो हमने भिगा कर रखे थे। बस चावल को 1/2 से 1.25 घंटे तक भिगाएं, बहुत ज़्यादा देर तक ना भिगा कर रखें। हाई फ्लेम पर हमने इन्हें 7 मिनट तक पकाया है, 70% तक हमें चावल को पकाना है। ये आसानी से टूट भी रहे हैं लेकिन थोड़े कड़क भी हैं, 70% तक तैयार हो गए हैं। फ्लेम हाई करके पकाएं तो ये तैयार हो जाएंगे। फ्लेम को बंद कर देंगे। जो हमने मसाला तैयार किया है चावलों को उस पर हमें डाल देना है। इस पर हम तली हुई प्याज को स्प्रिंकल करेंगे, थोड़ा घी पोर करेंगे, 1 टेबलस्पून डाल दिया हमने। इसे कवर करेंगे और लो फ्लेम पर 15 मिनट अच्छी तरह से पकने देंगे।